क्या आपको मालूम है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश रची गई है? जी हाँ, ऐसा ही कुछ दावा किया गया कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मणिकांत राठौड़ ने ये साजिश रची। आखिर कौन है मणिकांत राठौड़, आइए जानते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या के लिए बीजेपी योजना बना रही थी। बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने दावा किया कि चित्तापुर से बीजेपी उम्मीदवार मणिकांत राठौड़ ने खड़गे के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए और उन्हें उनके पूरे परिवार को मारने की बात की। कांग्रेस ने मणिकांत राठौड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चहेता बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रणदीप सुरजेवाले ने कहा, शायद आज देश के प्रजातंत्र के इतिहास में सबसे दुखद दिन है। बुरी तरह से हार का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने का प्लान बनाया है। क्या राजनीति इससे भी अधिक गिर सकती है? सुरजेवाले ने आरोप लगाया, कर्नाटक की जमीन से उठकर देश की राजनीति के क्षितिज पर पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के लोगों के प्रति भाजपा की नफरत का इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। अब बात करें मणिकांत राठौड़ कौन है, तो बता दें कि बीजेपी ने मणिकांत राठौड़ को गुलबर्गा जिले की चीतापुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। इसी सीट से मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और प्रियंका खड़गे कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहीं से वह मौजूदा विधायक भी है। इससे पहले मणिकांत राठौड़ को एक साल के लिए कालबुर्गी से निर्वासित किया जा चुका है। 28 वर्षीय राठौड़ के खिलाफ कालबुर्गी समेत कर्नाटक के कई जिलों में लगभग 40 आपराधिक मामले दर्ज है। उनके खिलाफ आरोप है हत्या, ड्रग्स और नशीले पदार्थों की तस्करी, आपराधिक धमकी और अवैध रूप से हथियार रखना शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी।